कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर, ना नजर मिली ना सुबह हिली, यूं ही सर झुका कर गुजर गए, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। आज मैं बात करने वाली हूँ देवानंद और सुरैया की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। दोनों शादी करने वाले थे। जो चीज आंखों में खटकती है लोग फौरन से निकाल बाहर फेंकते हैं। हम तो दुनिया की आंखों से निकलने वाले ही, जितना वो निकालने की कोशिश करेगी हम उतना ही चुपते जाएंगे, और देखना एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन कैसे उनकी शादी होते होते रह गई? देवानंद और सुरैया रोमांटिक कपल, प्रताप हिराना की फिल्म जीत में काम कर रहे थे। फिल्म में एक सीन था जहां दोनों प्रेमी घर से एक साथ भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ये सीन तो फिल्म का था, पर इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि जो कहानी पर्दे पर घटने वाली थी हकीकत भी बिल्कुल वैसी ही थी। फिल्म में भी देवानंद और सुरैया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन असल जिंदगी की खासियत ये थी, असलियत ये थी कि सुरैया के घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, खासकर उनकी नानी। देवानंद और सुरैया को यकीन हो गया था कि पारिवारिक रजामंदी से तो ये शादी होनी नामुमकिन है। इसलिए दोनों ने अनूठा रास्ता ढूंढ निकाला। फिल्म के जिस सीन में दोनों को घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी करनी थी, उस सीन को दोनों ने असली रूप देने का फैसला कर डाला। मतलब ये कि मंदिर में जहाँ फिल्मी शादी होने वाली थी वहाँ पंडित असली आने वाला था, और वो शादी भी असल की होने वाली थी, जिसके लिए देवानंद और सुरैया ने फिल्म यूनिट के सभी लोगों को तैयार भी कर लिया। तुम्हारी सेवा के लिए एक बहू बुलाया। बहू? हाँ माँ। आओ बेटी। दादा माँ के चरण छू। माँ के आशीर्वाद दीजिए। लेकिन उसी फिल्म यूनिट में एक असिस्टेंट ऐसा भी था जो इन दोनों के प्रेम संबंध से बहुत जलता था, बहुत ईर्ष्या करता था। उस असिस्टेंट ने वक्त रहते ही सारी कहानी सुरैया की नानी को बता दी। सुरैया जी की नानी खबर मिलते ही वहाँ पहुँच गई और सुरैया को घसीटते हुए घर ले गई, और आगे से दोनों के मिलने जुलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, और इस तरह से ये जोड़ा हमेशा के लिए बिछड़ गया। सोचा था क्या क्या हो गया,
क्या हो गया। उस वक्त सुरैया देवानंद से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकी, मगर फिर जिंदगी भर उन्होंने किसी से शादी नहीं की। और देव की यादों में ही खोई रही। बाद में देवानंद ने फिल्म अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। उसके बाद काफी साल तक सुरैया और देवानंद की कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर कई साल बाद एक पार्टी में दोनों आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। 31 जनवरी 2004 को सुरैया ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। तब हर किसी को उम्मीद थी कि देवानंद जरूर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में जहां सुरैया को दफनाया गया, वहां सबकी आंखें देवानंद को तलाश कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। इस बात पर देवानंद ने कहा कि अपने दुख में आप अकेले होते हैं, मैं भी अपना दुख किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। वो आना सके हम जाना सके, देखो किस्मत की मजबूरी।